सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ पक्षी परिवार उत्तराखंड से शिक्षक दिनेश चंद कुकरेती, ननपुर कोरदार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। आज मैं आपको बबूना या वाइट आइज पक्षी के बारे में जानकारी दूंगा। बबूना या वाइट आइज जो पक्षी होती है पीले टाइप का होता है। इसका जो चेस्ट होता है, ये छाती होता है, नीचे कल जो होता है वाइट और ब्राउन टाइप का होता है। इसके आँखों के चारों ओर एक सफ़ेद गोल पट्टी होती है या धारी होती है, इस कारण से इसे वाइट आइज कहते हैं। यह प्रतिवर्ष हमारे घर के आसपास पेड़ पौधों में मार्च से लगभग सितंबर तक घोंसला बनाती है। अपने घोंसले में बनाने के लिए यह 5 से 15 फीट के पेड़ के साइड में दो टेंट बारी बारी टहनियों को या पत्तियों को के बीच अपना घोंसला बनाती है। घोंसला बड़ा सुंदर शानदार बहुत ही बढ़िया अच्छा घोंसला यह बनाती है, जिसमें यह 3 से 4 अंडे देती है। इनका अंडा जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, बहुत छोटा होता है। और कई बार क्या होता है कि इसके अंडे बच्चों को अन्य पक्षियाँ जो परभक्षी पक्षियाँ वो नुकसान पहुँचा देती हैं। इसलिए यह जहाँ पर इसका घोंसला रहता है पी 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 करके आवाज़ करता रहता, संकेत देता रहता है कि यहाँ पर मेरा घोंसला है। चिड़िया हमेशा संकेत देती है, उसके आसपास घूमने लगती है। हमारे घर के आसपास कई बार छोटे पौधों में रहता, हम उन पर ध्यान नहीं देते कि कई बार हमारा ये कह सकते हैं घर के आसपास कोई बेल है, उदाहरण का कोई बेल है, साग सब्जी का बेल है या पेड़ पौधे, उन बेल जो बेल है उन बेलों के बीच में भी अपना घोंसला कई बार प्राय बना देते हैं। नींबू के पेड़ में बना देते हैं, कटहल हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, जितने प्रकार के घर के आसपास, ऐसा नहीं प्रत्येक में। अशोक के साइड वाला कभी आप पत्ती देखना, अशोक के लंबे पेड़ होते हैं, नीचे के साइड, ऊपर नहीं नीचे के साइड पत्तियों में नीचे से एक छोटा सा घोंसला यह बना देती है और वो आसानी से दिखाई भी नहीं देता है। इसके जो अंडे देते 3 या 4 सफ़ेद रंग का, नर मादा दोनों अंडों की शिकायत करते हैं। 7-8 दिन में अंडों से बच्चे बाहर निकल जाते हैं और 10 और 12 दिन के अंदर इसके जो बच्चे होते हैं वो उड़ने लायक हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे अगर पूर्ण रूप से विकसित ना हो तो तभी ये घोंसले बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं। बहुत कम होता है कि बच्चे पूर्ण रूप से पंख आने के बाद घोंसला से उड़े, क्योंकि उसके बाद ये माँ के पीछे जाने लगते हैं। छोटे छोटे पेड़ों में, छोटे छोटे पौधों में, पेड़ पौधे वहाँ पर बैठे रहते हैं और 3-4 दिन के अंदर जैसे इनके पंख आते तो माँ के साथ ही दौड़ने लगते हैं। इन चिड़ियाओं का मुख्य ये चिड़ियाओं का जो मुख्य कह सकते हैं भोजन है, हमारे घर के आसपास जो हरे कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े, जितने प्रकार के हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं वो हैं। ये एक दिन में असंख्य कीड़े मकोड़े का भक्षण करती हैं। हानिकारक कीड़े मकोड़ों से हमारे साग सब्जियों को सुरक्षित करती हैं। तो हम भी इन चिड़ियों का हमेशा ध्यान रखें, घर के आसपास सफाई करते समय, पेड़ पौधे काटते समय उनके टहनियों को देखते हुए या ज़रूर देखें कि कहीं इसमें किसी पक्षी का या किसी कोई पक्षी का, छोटी पक्षी या बड़ी पक्षी का घोंसला तो नहीं है, जिस कारण से हमारे कारण से उसके अंडे बच्चों को कोई नुकसान पहुँचाए। पहले ही हमारे देश में पक्षियों की प्रजातियों में बहुत कमी आई है और बहुत से पक्षियाँ विलुप्त होने के कगार पर आ पहुँची हैं। हम अपने घर के आसपास ऐसे पर्यावरणीय और पक्षियों के अनुकूल पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि बहुत से पक्षी अपने घोंसला बनाएं, इसमें आवास रहे, रात को ठहरे, जिससे कि हमारे घर के आसपास बगीचा में, मकान में कुछ पक्षियां, कम से कम 8-10 प्रकार की पक्षियां निवास कर सके और उनका संरक्षण हो सके। हमने घर के आसपास हरियाली करें, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, क्योंकि मुख्य रूप से इनका भोजन कीड़ा मकोड़े होता है। हम ये कहें कि हम इनको दाना दें या अन्न दें तो ठीक है इनके पालने के, लेकिन बच्चे के लिए हमेशा पक्षियाँ जो होती हैं कि हरा कीड़ा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जितने प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं कहने का, उनको हमारे घर के आसपास साग जब से पेड़ पौधों से ढूंढ कर लाती है। इसलिए हमारे घर के आसपास हरियाली या पेड़ पौधों का होना ज़रूरी है। अगर हम सभी लोग पक्षियों के बचाने हेतु ध्यान दें तो निश्चित तौर से पक्षियाँ बचेंगी और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पक्षी दिखाई देगी। आज के लिए इतने ही। आप सभी को मेरे से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।